महानगर के थाना कटघर अंतर्गत गोविंद नगर निवासी डॉक्टर लक्ष्मण सिंह के साथ 16 जून 2023 को अपने पागबड़ा स्थित आयुष्मान होटल से निकले। जैसे ही होटल में रिजेंसी से पुल पर चल रहे थे, तभी कुछ बदमाशों ने उनके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दे दिया था। लूटपाट की घटना को अंजाम देने में लगभग 4 से 5 लोग थे, जिसका पुलिस ने खुलासा भी कर दिया है, जिसमें से अभी तक पुलिस द्वारा उनका 80,000 नगद में से 40,000 रुपए और उनका एक मोबाइल आईफोन 13 बरामद नहीं किया है। इसके साथ ही अभी एक युवक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसको लेकर आज पीड़ित ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। 18 तारीख को समथिंग समय 10:30 बजे जब मैं अपने अस्पताल से निकला, निजी अस्पताल से, तो तभी मेरे पीछे एक इनोवा गाड़ी बिना नंबर प्लेट गाड़ी जो है वो लगी थी। और जैसे मैंने 5-star होटल पार करा, तभी मुझे मोमेंट सा लगा कि गाड़ी कोई मेरे पीछे है, लेकिन मुझे वो हाईवे पे ओवरटेक नहीं कर पाए वो लोग, ठीक है। तो जैसे ही मैं अपने कट पे जो घर आता हूँ डेली बेस पे, मैं हाईवे से नखलो हाईवे से पुराना टोल प्लाजा से, जैसे मैंने अपने कट पे लेफ्ट लेकर के गाड़ी स्लो की इंडिकेटर दे करके, तभी उन लोगों ने इनोवा गाड़ी 4 से 5 जो बदमाश थे उस गाड़ी में बैठे थे, उन्होंने गाड़ी मेरे पीछे लगा के और आग लगा करके और उस घटना को अंजाम दिया। हॉकी से गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए, लेफ्ट राइट के दोनों, बैगनर गाड़ी थी मेरी। और उसके बाद कनपटी तमंचा लगा दिया गया, ये उतारा गया, उतारने के बाद मेरे पैसे छीने गए, मोबाइल छीना गया, प्लस गाड़ी की चाबी छीनी गई और जो 80,000 रुपये जेब में थे वो छीने गए। मेरा मोबाइल आईफोन 13 प्रो मैक्स मोबाइल है मेरा, ठीक है, वो मोबाइल उन्होंने छीन लिया। उसके बाद मुझे मतलब मार तोड़ करी, जिसमें एक हॉकी मेरे हिदर मारी है, मैंने दिखाया गया पुलिस के माध्यम से, फोटो क्लिक कराए हैं, एक हॉकी मेरे टांग पर मारी थी उन लोगों ने। इस पूरे मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी कर दी गई है और उनको जेल भेज दिया गया है। और उसके बाद एक लड़का सावेज है जो कलुला निवासी है, जो मोबाइल का ही काम करता है, वो अभी फरार चल रहा है। उसके छो एक भाई को उठा के पुलिस लाई है, पूछताछ कर रही है, ठीक है। लेकिन मेरा पुलिस से यही गुजारिश है, यही विनती है कि जल्द से जल्द जो एक बंदा रह गया उसका पकड़ के जेल भेजा जाए, नहीं तो वो अन्यथा कहीं और किसी घटना को अंजाम दे सकता है या मेरे साथ भी कुछ इस तरीके से घटना दोबारा रिपीट कर सकता है वो। कोई चीज़ भी बरामद नहीं हुई। हाँ सर, अभी क्या है ना, 80,000 रुपये मेरे चोरी हुए थे, उन लोगों ने लूटपाट की थी, तो लूटपाट में 40,000 रुपये बरामद हो गए हैं, 2 तमंचे बरामद हो गए जो उनके पास थे, 1 चाकू बरामद हुआ, 1 हॉकी बरामद हुई है, ठीक है ना, और एक मोबाइल फ़ोन जो है आईफोन 13 प्रो मैक्स वो रह गया है, 1.5 लाख का मोबाइल है मेरा वो। आपने शिकायत पत्र दिया? शिकायत पत्र मैंने एसएसपी साहब को शुक्रवार में दिया था, जिसका उन्होंने बोला एसपीआरओ साहब से मैं दिखवाता हूँ, ठीक है, और वो लोग दिखवा रहे हैं और ये कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन मेरी गुजारिश पुलिस से यही है कि जल्द से जल्द इस चीज़ में और जो मोबाइल प्लस 40,000 रुपये रह गए हैं वो बरामद किए जाएँ और एक बंदा जो सावेज निवासी है करूले का उसको किया जाए।